हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख नेशनल पार्क एवं अभयारण्य की, जिसमें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उनसे संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो आने वाले कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं एवं 99% पूछने के चांसेस भी हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी है। और आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं ना जाएं, आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपकी कुछ मदद हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बता चुका हूँ कि मैं आज चर्चा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया था। इसके जो ऑप्शन है दिए गए हैं, ए वर्ष 1973, बी वर्ष 1974, सी वर्ष 1975, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1974। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसे सन 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में शामिल नहीं है। इसको ऑप्शन दिए गए हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी संजय राष्ट्रीय उद्यान, सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, डी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान होता है उसे बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, जबकि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एवं जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो नागरी क्षेत्रों के बीचों बीच स्थित है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बी ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सी माधव राष्ट्रीय उद्यान, डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वह जो नागरिक क्षेत्र जहाँ नागरिक निवास करते हैं उनके बीचों बीच यह स्थित उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सी माधव राष्ट्रीय उद्यान, डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माधव राष्ट्रीय उद्यान। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वह आगरा और मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग जो पर मध्य प्रदेश के पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिसके ऑप्शन दिए गए, ए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सी संजय राष्ट्रीय उद्यान, डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए कलीभीत आभरण, बी केन घड़ियाल आभरण, सी सरदारपुरम आभरण, डी रातापानी आभरण। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रातापानी आभरण, जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरमोर पक्षी के संचरण संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रस्तावित है। ऑप्शन दिए गए हैं, सैलाना अभयारण्य, बी सरदारपुर अभयारण्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहने का मतलब है कि जो सैलाना अभयारण्य है एवं सरदारपुर अभयारण्य है, ये जो दोनों नेशनल पार्क अभयारण्य है वो खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए बनाया गया अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरमनिया अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जिसके ऑप्शन दिए गए, ए झाबुआ, बी रतलाम, सी टीकमगढ़, डी खंडवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खंडवा। जो खंडवा है वो सुरमनिया अभयारण्य है, जो वो खंडवा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सात अभयारण्य संरक्षण
योजनाएं में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर भी शामिल है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं ए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सी पेच राष्ट्रीय उद्यान, डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेच राष्ट्रीय उद्यान। जो पेच राष्ट्रीय उद्यान है वे टाइगर प्रोजेक्ट में भी है, जो कि विश्व बैंक की 7 आभरण संरक्षण योजनाओं में भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कौन सा आभरण स्थित है। ऑप्शन दिए गए ए पंचमढ़ी आभरण, बी नौरादेही आभरण, सी कूनो पालपुर आभरण, डी दुर्गावती आभरण। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी आभरण। जो पंचमढ़ी आभरण है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आभरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस सन में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यानी कहने का मतलब है जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है उसे कब राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित किया गया। इसका ऑप्शन दिया गया ए वर्ष 1978, बी वर्ष 1979, सी 1980, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1979 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ से समाहित हो गया है। जिसको ऑप्शन दिए गए हैं ए पेच राष्ट्रीय उद्यान, बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सी संजय राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संजय राष्ट्रीय उद्यान। जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ में समाहित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों की दृष्टि से देश का शाब्दिक घनत्व वाला उद्यान कौन सा है। इसके ऑप्शन दिए गए ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बी पेच राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी गांव आभरण का क्षेत्रफल कितना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए 510 वर्ग किलोमीटर, बी 511 वर्ग किलोमीटर, सी 512 वर्ग किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 512 वर्ग किलोमीटर। जो घाटी गांव आभरण है उसका जो क्षेत्रफल है वह 512 किलोमीटर आभरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर जिले में कौन सा आभरण स्थित है। ऑप्शन दिए गए ए नरसिंहगढ़ आभरण, बी काकेरा आभरण, सी मयूर आभरण, डी गांधी सागर आभरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गांधी सागर आभरण। जो मंदसौर जिला है वहां गांधी सागर आभरण स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं ए 1979, बी 1958, सी 1955, डी 1981। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1979। जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना सन 1979 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में कितने वर्ष पुराने डायनासोर की कितने वर्ष अवशेष मिले हैं। तो जिसका ऑप्शन दिए गए हैं ए 5 करोड़ वर्ष, बी 6 करोड़ वर्ष, सी 4 करोड़ वर्ष, डी 8 करोड़ वर्ष। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 करोड़ वर्ष। जो बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर जो पुराने डायनासोर के जो अवशेष मिले हैं वे 6 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा है। ऑप्शन दिए गए ए 12, बी 36, सी 32, डी 44। यानी कहने मतलब इसका है कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कितनी पहाड़ियों से घिर के बना हुआ है। तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 32। ये 32 पहाड़ियों से घिरकर बना हुआ उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए 4.45, बी 940, सी
0.27, डी 266.7 यानी या इसके आगे का वर्ग किलोमीटर है जो कि लिखना भूल गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4.45 वर्ग किलोमीटर है जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पान पाठा अभयारण्य किस जिले में है, तो जिसके ऑप्शन देगा ए सागर, बी पन्ना, सी धार, डी उमरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी उमरिया। जो पान पाठा अभयारण्य है वह उमरिया जिले में स्थित है। तो इसी तरह आज का हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, जो आप इनको यदि रिवीजन करेंगे तो आप अपने आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।